तारीख 17 जनवरी 2023 और आज है 28 अप्रैल 2023। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं, न जाने कितनी चप्पलें टूट गई हैं, लेकिन इनके पांव नहीं थके हैं। गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक न जाने कितने शहरों में जाकर अपने बच्चों को ढूंढ चुके हैं, लेकिन बच्चों का कुछ अता पता नहीं चल सका है। ये वो लाचार और बेबस पिता है जो कई महीनों से अपने लापता दोनों बच्चों की तलाश कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने बच्चों की तलाश के लिए पिता बागेश्वर धाम भी जा चुका है, लेकिन वहां उन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया गया कि वो इसके बारे में नहीं बताते हैं। अब ये पिता जगह जगह दिन रात बस अपने दोनों बेटों की तलाश कर रहा है। सबसे पहले आपको पिता की सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन और इनके दोनों बेटे कैसे अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। 17 जनवरी से गायब हैं। हम शाम को 7 बजे से ड्यूटी से आए, तब ढूंढना शुरू करो तो फिर 18 तारीख को मुकदमा लिखाओ। पुलिस आई थी, पुलिस ने कैमरा हमारे दरवाजे पर को चेक करो, फिर चले गए, फिर बोले कहीं आगे कैमरा चेक करियो, तो आगे हमको कैमरे नहीं कोई दिखाए। फिर हम गए बार बार, फिर 12 दिन बाद कन्हैया फैक्ट्री कैमरा चेक करो, तो वहाँ से निकलते बच्चे दिखाई पड़े, लेकिन तीसरी फैक्ट्री आगे बच्चे दिखाई नहीं पड़े। मालूम नहीं लौट के कमरे आए कि कैसे हुए क्या नहीं हुए। फिर कैमरा में नहीं दिखाई पड़े बच्चे, वहाँ से नहीं दिखाई पड़े। फिर हम बार बार चक्कर काटते रहे, ढूंढते रहे, चक्कर काटते थे, तो थाने में जाते थे, तो थाने में हमने कहा साहब कैमरा चेक कर लो, बोला यार चेक कर लेंगे यार, क्या करें यार, बच्चे तेरे मिल जाएंगे यार, जब तक तू आएगा नहीं थाने में। हमने कहा थाने में साहब हम तो आएंगे, लेकिन बच्चे तो मिल जाएं। दो में से एक भी लड़का नहीं मिला, बार बार कही, तब जाके कैमरा चेक हुआ कन्हैया फैक्ट्री। फिर एक बार हम ESP से मिले, 2 बार और IG साहब से मिले, तब हमको मिसिंग टीम दे दिया। बोला हम गए थे तो वहाँ बोला कि तुम यहाँ SP ऑफिस में बोले कि तुमको मिसिंग टीम दे दिया है, जाओ उनसे मिलो जाके। मिसिंग टीम एक हरिंदर थे, उसने 3 दिन बाद हमारे कमरे पे आया, ढूंढते एक फैक्ट्री घूम के बोले मोटे मोटे 2 आए, हरिंदर और एक और आए। हरिंदर ने कही कि देखिए ये लिस्ट दिखाई, हरिंदर ने बोला ये 25 बच्चों की लिस्ट मेरे पास पड़ी है और ये जेब में पड़े पड़े फाट जाती है, जिसके गायब हो जाते हैं, कोई हमारे खिलाफ़ बोलता नहीं है और तुम भी मत बोलना। एक दिन हमको फुसला के थाने बुलाया, बोला यहाँ बैठो, ये इस पर साइन करो और तुम हमारे खिलाफ कभी बोलियो ना। हरिंदर बोले ये हम तो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, हमको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, हम तुम्हारे दबाव में नहीं हैं, हम तो सरकार की तनख्वाह है, हम तो अपना कभी मुख्यमंत्री की मीटिंग होती वहाँ जाते हैं और बच्चे ढूंढने हम थोड़े जाते हैं। विशाल राठौर, आदित्य राठौर, विशाल की उम्र है 17 साल और आदित्य कुमार है 15 साल। ये पढ़ते थे, ये पढ़ाई छोड़ दी थी, अब काम कुम पे जाते थे कन्हैया फैक्ट्री में। एक कन्हैया में काम कर रहा था, एक पारस में काम कर रहा था। उस दिन दोनों घर ही पर रहते, तो हमने कहा ठीक है घर पे खाना बनाइयो, अपने सफाई करियो, हम अपने ड्यूटी जा रहे, तो लौट के आए तब नहीं मिले, तब हम ढूंढते रहे सर। दरअसल 17 जनवरी को विशाल और आदित्य, जिनकी उम्र 15 से 17 साल है, दोनों अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए, जिसके बाद से पिता कभी पुलिस के पास जाता है तो कभी कहीं और। अनिल विज के पास तक ये पिता गुहार लेकर जा चुका है, लेकिन दोनों बच्चों का कुछ भी अता पता नहीं है। शहर में जगह जगह बच्चों के पोस्टर भी छपवाए ताकि बच्चों का पता लग सके। इतना ही नहीं, बल्कि बच्चों की सूचना देने वालों को 50,000 के इनाम की भी घोषणा कर दी, जिसके बाद इस पिता के पास एक फर्जी कॉल आती है और कहा जाता है कि दोनों बच्चे उसके पास हैं, इसके बदले उन्हें 4 लाख रुपए दे दिए जाए। जिसके बाद पुलिस ने इस ऑडियो की जांच की तो ये कॉल फर्जी पाई गई और पुलिस ने बकायदा इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। एक व्यापारी समझते हो, डीलर समझते हो, लेन देन करता हूँ। मैंने ये 2 बच्चे खरीदे हैं, लेन देन मैंने ये 2 बच्चे खरीदे हैं। हेलो, हाँ जी जी, हाँ तो मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल से। हमारा काम यही है बच्चे खरीद कर उनका किडनी निकालना, दिल निकालना, आंखें निकालनी, मतलब जो भी जरूरत की चीजें हैं वो निकाल कर आगे हम बेचते हैं। जी जी, ये बच्चे मैंने 3 लाख में खरीदे हैं। जी जी, तो बच्चे बहुत रो रहे थे, कह रहे थे कि मैंने पापा के पास जाना है, मुझे इस तरह मेरा दिल मत निकालो, ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर उन्होंने आपका नंबर दिया। हाँ, तो फिर मैं अभी आपको ये कॉल कर रहा हूँ।
तो आपकी क्या डिमांड है? अगर आप उतने पैसे हमें दे देंगे तो बच्चे आपको दे देंगे, उसका किडनी बनाओ तो काम है, उससे ज्यादा दे देंगे आपको, उससे ज्यादा दे देंगे। ठीक है, हम ज्यादा दे देंगे। तो अभी जी जी, तो अभी आपकी डिमांड बोलिए, क्या डिमांड है? हम आप 3 लाख बता रहे हैं, हम 4 दे देंगे। तो कब दोगे, किस तरह दोगे, मुझे पूरी डिटेल समझा दो ना एक बार। भैया ऐसा है, अभी तो मान लो 1.5-2 लाख रुपया तो अभी कर सकता हूँ, लेकिन 2 लाख रुपया मैं कहीं उधार करूंगा, 1-2 लाख रुपया उधार लूंगा किसी से। तो अभी आपके पास कितना है? अभी तो हमारे पास, अभी हमारे पास 1,70,000-80,000 हो पाएगा। कितना हो पाएगा तुम्हारे? 70,000-80,000 भी आपके हाथ में, 1,70,000 आपके हाथ में है, ये किसी से लेना है जल्दी बताइए, क्योंकि बच्चे मैंने आगे भी बेच देंगे, मुझे तो कोई नहीं भाई साहब, बिल्कुल ना भेजिए, हम पैसा आपको दूंगा, हमको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, हमारा कुछ भी ना रहे। अभी आपके पास कन्फर्म कितना है? अभी आपके पास कन्फर्म कितना है? अभी हमारे पास एकदम से ATM अभी रात में नहीं निकल पाएगा, ATM से वही 1,40,000 रुपया तो हमारे खाते में है, 20,000 रुपया हमारी घरवाली खाते में, 20,000 रुपया अम्मा खाते में। जी जी, तो अभी आप कितना, एक दिन में कितना निकलवा सकते हो? अब इस टाइम रात में, इस टाइम तो बैंक बंद है ना भैया? नहीं, ATM से तो निकाल सकते हो ना? हाँ, ATM से एक दिन में कितना, 20,000 निकल जाएगा, 20,000 निकाल पाओगे। तो अभी आप मतलब कि अगर टोटली पैसा निकलवाओ तो कितने दिन तक निकलवा सकते हो? 2 दिन नहीं, हम करेंगे कल ही इंतजाम, जो चाहे कुछ भी करना पड़े, हम चेक बुक मंगाए, मेरी बात सुनो। हाँ, बात होगी हमारे अंदर, दोनों के अंदर। हाँ, क्योंकि आदमी है हम, जी जी, दो, क्योंकि आपको आपके बच्ची चाहिए, अगर आप नहीं लोगे ना, हमारे 5 लाख में बिक जाएंगे, भगवान की कसम खाकर कह रहा हूँ, एक एक किडनी 3-3 लाख रुपए का। हम आपको 5 दे देंगे, दद्दा 5 दे देंगे, हम जो भी होगा। सुन तो लो। तो हम आपकी बच्चों से डील बता रहे हैं, हम आपसे लेंगे 3 लाख में हमने बच्चे खरीदे हैं, 4 लाख में बेचेंगे, ठीक है? 2 लाख रुपया आपने बाद में देना है, 2 लाख रुपया आपने पहले देना है, बच्चों से हम आपकी वीडियो कॉल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? वीडियो हम इकट्ठे दे देंगे आपको। हाँ, आपको दिखाएं, आपने देखना है। नहीं, हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड है पहले 2 लाख रुपए दो, अपना बच्चा देखो, जी जी, अपने उनसे बात करो, वीडियो कॉल में दोनों बच्चों को देखो, उसके बाद जाकर बाकी का 2 लाख रुपए दो और अपना बच्चा लो। ठीक हो गया? हम तो ठीक है। ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, अभी आप नंबर अपना बंद कर दो। हाँ, अभी आपको कोई हमें ट्रेस ना कर ले, मैं सीधा बता रहा हूँ, अगर पुलिस स्टेशन के पास गए या कुछ भी गए तो हम आपके बच्चे को मतलब वैसे आगे सेंड कर देंगे। नहीं, मोबाइल बंद करो, जी, बात अपने अंदर ही रखो, और कल मुझे सुबह 8 बजे कॉल करो, सुबह 8 बजे कॉल, मैं आपका नंबर चेक करता रहूंगा, अगर आपका नंबर ऑन हो गया रात को तो मैं ये समझूंगा कि आपके बच्चे नहीं चाहिए, हम उसको कार्ड डालेंगे, उसमें से किडनी निकाल लेंगे, दिल निकाल लेंगे, आंखें निकाल लेंगे, तो आपके काम के नहीं रहेंगे। नहीं, ठीक है, अभी आप इस तरह करो, मोबाइल बंद कर दो, सुबह 8 बजे मोबाइल ऑन करो, कल हमारी डील होगी जो भी होगी। ठीक। वहीं पिता का कहना है कि पुलिस द्वारा उनका पूरी तरह से सहयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि जब उन्होंने 50,000 की घोषणा की, उसके बाद उनके पास कुछ लोगों ने महज कुछ पैसों के लिए फर्जी कॉल कर दी, जिसके बाद ये पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपने बच्चों को दिन रात ढूंढ रहा है, लेकिन बच्चों का कुछ भी अता पता नहीं है। जब 14 फरवरी को कॉल आई थे, 14 फरवरी को कॉल आई, बोला 4 लाख रुपए दो बच्चे हमारे पास हैं, तो हमने कहा अब तो रात है, इस टाइम कहाँ से हम तुमको पैसे दें भैया, कल दिन में इंतजाम करेंगे। बोला ATM से, हमने ATM से अभी कितने निकली, 20,000 निकली ATM से, और फिर हम उधार करेंगे पैसा, 4 लाख एकदम तो हैं भी नहीं हमारे पास। तो बोला ठीक है, फिर दोबारा कॉल नहीं है, हम गए रात में ही थाने गए उसी समय, हमने कहा भाई 4 लाख रुपये हमारे पैसे दिवा दो और हमारे बच्चे दिवा दो, थोड़े पैसे कम पड़े तो आप लोग उधार दे दियो हमें और जो है हमारे बच्चे दिखा दो। बोले पैसे कहाँ से लाएगा, हमने पैसे अपना कहीं से ले आएंगे, फिर उस टाइम केस जो है ट्रांसफ़र कर दो तुरंत, इस शिशुपाल ने केस ट्रांसफ़र कर दो वहाँ CIA 3 में,
CIA 3 में 2 दिन चक्कर काटते रहे, तीसरे दिन नोएडा का नंबर निकला है, वहाँ गए, वहाँ से लौटे, बोले यार ये तो बोगस कॉल है, ज़्यादा कई तो एक को पकड़ के लाए हैं, कह रहे थे ये तो बोगस कॉल है। और CIA के पास 2.5 महीना हो गया इनके यहाँ पे, इनके भी कुछ नहीं, ये तो जाते हैं तो ये कहते यार बच्चे कहीं काम करने तेरे निकल गए, हम काम करने निकल गए 3.5 महीना हो गया हमारे बच्चे कहीं से, कहीं कोई झोड़ा लेके कोई कपड़ा लेके जाएं, कुछ फ़ोन आ जाता तो हम जान जाते, बच्चों का फ़ोन तक नहीं है आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, हमें लगता कि कॉल वाले के ही पास पैसे पकड़ लिए हैं किसी ने बच्चे का। अब CIA 2.5 महीना हो गया CIA के पास, अधिकारी के पास, SP से पहले SP से मिले थे 3 बार, उन्होंने कहा था 3-4 बार SP से मिले तो बोले कार्रवाई यार करेंगे, हो तो SP चले गए। IG साहब से मिले थे 4 बार, IG साहब बोले, पहले तो बोले थे कि चलो करेंगे कोशिश, हमने कहा साहब होली में हमारे भी बच्चे आ जाएंगे, बोले हाँ करें, फिर गए तो बोले IG साहब बोले कि कानम करी इनको शाबाशी दे के भेजा करो, ये दूर से चल के आते हैं, तो हमें शाबाशी क्या करने, हम शाबाशी क्या करेंगे सर, हमको तो बच्चे मिल जाएं बस, हमको शाबाशी हम क्या करेंगे लेकर। आपने अपने बच्चे कहाँ कहाँ ढूंढे? हमने बच्चे जब से ढूंढ ही रहे, कोई काम नहीं कर रहे, बच्चे 3.5 महीना हो गए जब से बराबर ढूंढ रहे, यहाँ से चंडीगढ़ तक गए ढूंढने, चंडीगढ़ अम्बाला सब जगह गए, वहाँ अनिल बिज से मिलने गए 3 बार, लेकिन अनिल बिज वहाँ मिले नहीं, एक बार चाय की दुकान पर बैठे थे, बोले उनके PA बोले कि अभी नहीं मिलेंगे तुमको अनिल, लौट जाओ, फिर वहाँ 3 बार गए तो वहाँ 3 बार मिले ही नहीं अनिल बिज से, IG साहब से जरूर मिले थे, तो IG साहब जब शाबाशी की बात करते तो फिर हमने कहा आप क्या करेंगे जाके, अब तो उम्मीद ही ढूंढ लिया आपने? सब रिश्तेदार यहीं आ रहे हैं, रिश्तेदार तो सब यहीं आ रहे हैं हमारे पास। और कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? यहाँ गए, अलीगढ़ गए, बागेश्वर धाम गए, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, पूरा दिल्ली ढूंढे, गुड़गामा, वहाँ बता रहे थे कि गुमसुदी का नहीं बताते हैं, कि ऐसे और चीज़ बताते हैं, गुमसुदी का नहीं बताते हैं, वहाँ भी पर्चे चिपके हैं बहुत। आपके पास फिर दोबारा फिर फिरौती फोन आया? दोबारा नहीं, एक ही बार कॉल आई, एक ही बार आया, ये 50,000 रुपये हम दे देंगे, अब अपने बच्चे ले लेंगे भाई, कहीं से अपना उधार करेंगे या कहीं से करेंगे, हम बच्चे अपने दे दें, ले लेंगे 50,000 रुपये देंगे, और जो है हमारे पास जो है अब ये भाई, अब देखो भाई पुलिस पे भी भरोसा, पुलिस ढूंढ, लेकिन पुलिस के हाथ तो कुछ अभी तक लगा नहीं है, बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा है पुलिस के पास, तो अब ये 50,000 रुपये जिस भाई को मिलेंगे, बच्चे देखेंगे तो उसको 50,000 रुपये हम दे करके अपने बच्चे ले लेंगे। विशाल और आदित्य दोनों बेटों की तलाश में पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी इस शहर, कभी किसी और शहर, लेकिन बच्चों का कुछ भी पता नहीं है। पिता जब ही बताते हैं कि कैसे उनके दोनों बेटे अचानक गायब हो गए, तब उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि अगर इनके दोनों बेटे कहीं भी हैं तो वो इनसे संपर्क कर सके, या कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो अगर इनके बच्चों के बारे में जानता है तो वो इनसे संपर्क कर सके। तो आपसे अपील यही रहेगी, इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही वीडियो पर कमेंट जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।